रहे हैं। और चतुरंगिनी सेना भी साथ में है, तीने माताएं भी है, कुलगुरु है, कुलगुरु का पत्नी भी साथ में है। उसी वक्त जैसे कोई गिर के जंगल में शेर सोया हुआ है और कोई उनको आ जाए, उनको छेड़ दे, उनका क्रोध उमड़ पड़े, वैसे ही लखन भैया आज खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि भरत आज निष्कंटक राज्य के लिए आज चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं आज शंकर भगवान आएंगे उनको बचाने के लिए, तो भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत के फल नहीं लगते। ये निष्कंटक राज्य के लिए आ रहा है। और लखन भैया खड़े हो गए, हाथ में धनुष बाण है। उसी वक्त भगवान राम जी ने कह दिया, लखन तेरे जैसा भाई भी इस जगत में नहीं है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लखन तू मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि तुमने अयोध्या, पत्नी, परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया है मेरे लिए, तुमने हमारे कारण सब कुछ छोड़ा, तू मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन सुन, सुचि सुबंधु नहीं, भरत समाना, भरत के समान इस जग में कोई भाई नहीं होगा, न हुआ है। इसीलिए भरत के बारे में जो आप तुम कह रहे हो ना, ये सही बात नहीं है। हे लखन सुन, भगवान राम के शब्द कि भरत लखन तुम्हारे अशपथ पी तू आना, सूजी सुबंधो नहीं भरत समाना। हे लखन मेरा, मैं तेरे शपथ कभी लेता ही नहीं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, मुझे लखन की शपथ है, लखन तेरी शपथ, तेरी सौगंध, तेरी कसम, और मैं जो झूठ बोलूं तो मुझे पिता की आन है, मैं सत्य बात आज कह रहा हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान इस जग में भाई होगा ही नहीं। भरत रवि वंश हंस तड़ागा, भरत जी ये रघुकुल के हंस है, इसीलिए आप उनके बारे में कभी ऐसा ना बोले। और लखन भैया शांत हुए, आकाशवाणी भी हुई, लेकिन तुलसी जी ने लिख दिया कि भरत जी की आतुरता बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, राम दर्शन का आनंद भी बढ़ रहा है, रोम रोम से राम राम जप रहे हैं, जिह्वा से भी राम राम निकल रहा है, सांस सांस में भी राम है, आज चलना चाहते हैं लेकिन आज दौड़ पड़े हैं श्री भरत जी, उनकी उत्कंठा, उनको लगता है मैं शीघ्र जाऊं और शीघ्र मुझे राम दर्शन हो जाए, मुझे राम से मिलना है, आतुरता और दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसा भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्यार होता है, मोहब्बत होती है, ऐसा ये रिश्ता राम के दिल में भी ऐसी ही प्रीति है। एक ओर से परमात्मा राम जी दौड़े और दूसरी ओर से लखन भैया, दोनों भाइयों का मिलन हुआ, गगन में दुदुम्बी की नाद होने लगी, पुष्प की वृष्टि हुई, देवताओं ने जय जयकार किया और भरत राम की मिलनी लिखी बिसरे सब ही अपान, और भरत और राम जी का मिलन हुआ, जय जयकार हुआ, श्री रामचंद्र भगवान की जय।